नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कॉटन की कीमतों में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। कीमतें एक महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। बहुत तेजी से ये कीमतें मई की शुरुआत में भागी थी। रिकॉर्ड स्तर में हमने देखा था 157 सेंट के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चली गई थी और वहां से हमने ऑलमोस्ट 10-12% का करेक्शन आते हुए देखा। इसी के मद्देनजर घरेलू वायदा में भी हमने देखा कि कीमतों में अच्छा खासा करेक्शन आया है। दो हफ्तों में ही कीमतें 5,000 रुपए तक सस्ती हुई हैं। इसी बीच जो सरकार है वो भी कॉटन की कीमतों को लेकर काफी सतर्क रही है। लगातार टेक्सटाइल मिल्स की तरफ से, टेक्सटाइल एजेंसीज और जिनर्स की तरफ से ये दरख्वास्त आती रही कि किस प्रकार से कॉटन की कीमतों को नीचे लाया जाए, उसको सस्ता किया जाए। और इसी के मद्देनजर कॉटन के लिए एक अलग से कमेटी का गठन हुआ और इस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सुरेश कोटक साहब की अगुवाई में पहली मीटिंग मुंबई में हुई है, जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी कटौती की जो मियाद है वो अब 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इसके अलावा किस प्रकार से लागत घटाई जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, इन सब पर भी काफी मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज की बात करें तो जून वायदा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, भारी भरकम गिरावट यहां पर देखने को मिली है। 500-550 रुपए कीमतें गिर गई हैं। अच्छी बात है, कॉटन की कीमतें सस्ती हो रही है, लेकिन कितना फायदा मिल पाएगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीटी लिमिटेड के एमडी संजय जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सर, मुझे बताइए कि अब जो कीमतें नीचे आ रही हैं कितने राहत की बात है, या अभी भी आपके मार्जिन पर या आपके बिजनेस पर ऊंची कीमतें प्रभाव डाल रही हैं? ये जो सरकार ने कदम उठाया है ये कितनी प्रभावशाली आपको लग रही है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी दिल्ली दूर है, डेफिनेटली कीमतें कम हुई है, लेकिन जितनी बढ़ी थी और जो इम्पैक्ट हुआ है, इतने कम गिरावट से कोई वैल्यू चेन को राहत नहीं मिलेगी, पर इतनी राहत जरूर है कि अब उम्मीद जाग रही है कि धीरे धीरे करेक्शन आके चीजें ठीक होगी। और जो सरकार जो कदम उठा रही है, खासकर जो कल की मीटिंग हुई है, वो एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक मीटिंग थी और ऐतिहासिक कदम है। जो सुरेश भाई के चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी है और जो कल फर्स्ट काउंसिल की मीटिंग हुई है, जो सोच आई है वो बड़ा एक लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों को समझ के आई है कि हमें कहाँ से इमीडिएट में कहाँ से कॉटन मिल सकती है इंटरनेशनली और नेशनली, ताकि ये जो शॉर्टेज है जिसके कारण दाम बढ़ रहे हैं इसका इमीडिएट हम निवारण कर सके। दूसरी मीडियम टर्म यह आई है कि जो इस साल जो प्रॉब्लम आई है वो क्रॉप कम होने के कारण से आई है, पिंक बोलवर्म और लेट रेन्स के कारण। तो बेटर सीड कैसे ला सके एग्जिस्टिंग बैंक से, और नेक्स्ट जनरेशन की BT3 सीड हम कैसे ला सके, जिसमें ऑब्वियसली 3-4 साल लगेंगे। तो 360 डिग्री अप्रोच है। जी जी जी, पॉइंट टेकन सर। लेकिन मुझे ये बताइए कि इमीडिएट राहत कब तक मिलती दिखेगी, क्योंकि यान आप देख लें, कॉटन की कीमतें देख लें, दुगने से भी अधिक बढ़ चुकी हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्ट्रेंथ आई, हमारे मार्केट ने उसे रेप्लिकेट किया, सामने से डिमांड निकल कर आ रही थी, लेकिन अभी चाइना की डिमांड वापस से रिसर्फेस होना बाकी है। आपको लगता है कि एक बार चाइना का अनलॉक फेज शुरू होगा तो कीमतें यहां से फिर से भागेंगी, गिवन द फैक्ट कि सप्लाईज को लेकर ग्लोबल मार्केट में भी टाइटनेस है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि चाइना रीओपन हो रहा है जैसे धीरे धीरे और उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास बहुत स्टॉक है कॉटन का। इनफैक्ट इंडिया ये देख रही है कि उनके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ हमसे 10-15 दिनों की दूरी पर है, हम उसको इंडिया कैसे लाया जाए ताकि हमारी ये शॉर्टेज की कमी पूर्ति हो सके। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके शो में, ये अब बढ़ने की जगह नहीं, अब धीरे धीरे करके करेक्शन ही आएगा। ऑब्वियसली करेक्शन बहुत फास्ट उम्मीद नहीं है अनलेस इंटरनेशनल प्राइसेस में कुछ हो, पर धीरे धीरे आज के दिन इंडियन रुई इंटरनेशनल प्राइसेस से महंगी हो रखी है, इसलिए ना यान एक्सपोर्ट हो रहा है ना कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है। धीरे धीरे जो ये गैप है ये कम होता जाएगा और मुझे उम्मीद है 1-2 महीने में हम काफी हद तक करेक्शन देखेंगे। ऑब्वियसली पिछले साल के दाम अब नहीं आएंगे क्योंकि बहुत से कारण है इसके, मैं भी डिस्कस करते हैं कि जो अब सरकार यहाँ कदम उठा रही है, और क्योंकि अब कीमतें पीक आउट हो गई थी तो उसके बाद अब यहाँ से जो गाड़ी है कीमतों की वो नीचे की तरफ ही जाएगी और यहाँ से और करेक्शन देखने को मिलेगा। संजय सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक पूरा विश्लेषण कॉटन मार्केट का और इस इंडस्ट्री का दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो क्लियरली ये एक राहत की खबर है, स्पेशली जब महंगाई की मार से पूरी दुनिया और भारत भी जूझ रहा है। एक चेक ले लेते हैं
कॉटन पर। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। केडिया जी, आपने सुना कि इंडस्ट्री का क्या मानना है, मुझे ये बताइए कि वायदा में यहाँ पर क्या रणनीति अपनाई जाए? 550 रुपए तो कीमतें हल्की हो गई हैं, अब क्या किया जाए? नमस्ते नेहल। डेफिनेटली मुझे लगता है कि टेक्निकली थोड़ा पुल बैक दिख रहा है, जिस ढंग से डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखे गवर्नमेंट की एक्शंस बैक टू बैक करें तो अनसर्टेनिटी बन भी रही है। बट मैं इसे टेक्निकल ओवरव्यू से देखता हूँ कि थोड़ा ओवरबॉट है, क्योंकि हमने 38,000 से वन साइड रैली होते हुए देखी जो 50,000 का लेवल दिखा चुकी है। तो टाइमिंग एक पुल बैक जरूर है जो 44,000 तक का भी लेवल दिखा दे, तो मुझे लगता है कि अभी इमिडिएटली बेच के चलिए। बट हाँ, अभी भी हमारे पास माल बिल्कुल नहीं है, कुछ इम्पोर्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं ताइवान से, बट मुझे लगता है मेजर रिलीफ जो आएगा वो अक्टूबर के बियॉन्ड ही आना, उससे पहले शॉर्टेज कंटिन्यू रहेगी ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पर गिरावट ही दिख रही है और सेल की रणनीति आप यहाँ पर अपनाने की सलाह दे रहे हैं। फटाफट मुझे अजय जी बता दीजिए, कच्चे तेल में क्या किया जाए, यहाँ पर तेजी से कीमतें बढ़ी हैं। कच्चे तेल में ब्रांड 120 तोड़ चुका है, वही रिफ्लेक्शन शाम को रहेगा, बाय करके चलिए 8900 पे, टारगेट रहेगा 9050 का। सोने में क्या किया जाए, थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में है, क्या करें अब? डॉलर वीकनेस अभी भी है, 1850 के ऊपर प्राइसेस होल्ड है, 51,50 पे लेके चलिए, 51,450 का एक जंप देखने मिल सकता है अगस्त फायदा। और मेटल स्पेस में कहां नजर होगी केडिया जी आपकी? चाइना मार्केट कल से ओपन हो रहा है, कॉपर काफी अच्छा दिख रहा है, 776 पे कॉपर लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट 784 का मिल जाएगा, बट ये हफ्ते में कॉपर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कैस्टर में आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी, गिवन द फैक्ट कि मॉनसून तो ऑन ट्रैक ही दिख रहा है, समय से पहले आ गया है, गोइंग फॉरवर्ड एग्री कमोडिटी स्पेस में कैस्टर में क्या रिकमेंडेशन होगी? स्विंग थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है, बट डिमांड अभी तक पिकअप ज्यादा नहीं कर पाया, उसके चलते मार्केट बार बार में गिरावट ले रहा है, 7500 पे बेच के चलिए, इमीडिएट 7350 है, बट ओवरऑल लग रहा है 7200 तक का एक बार वापस लेवल दिखा सकता है। लेकिन केडिया जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और फटाफट दर्शकों को बताने के लिए कि किन किन पॉकेट्स में कमोडिटी स्पेस में आज कमाई का मौका देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे न्यूज़ लाइव।